हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 विज्ञान में आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2, वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में इसके पहले भी हम बता चुके हैं कुछ चीजें। आज हम बात करेंगे इनके विलुप्त प्रजातियों और संकट ग्रस्त प्रजातियों के बारे में। तो बच्चों, शायद आपको नहीं पता होगा कि जो भी कारखानों, रेलवे लाइनों और तमाम फैक्ट्रियों का निर्माण होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इन जीवों के, जीव जंतुओं के घरों को, इन सब चीज़ों के बनाने के चक्कर में हम उनके घरों को नष्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि लगातार पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। ठीक है, कुछ लोग तो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पशु पक्षियों का शिकार भी करते हैं, कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से उनका व्यापार भी करते हैं। और व्यापार के लिए कुछ लोग तो बारहसिंघा की सींग आपने देखी होगी, हाथी के दांत बड़े बड़े हैं उसको देखे होंगे, तो उन सींग को, उनके दांतों को उसके लिए मार देते हैं जानवरों को कि उसका वो व्यापार कर सके। तो जिस कारण से आज कितनी सारी प्रजातियां हैं जो हमारे बीच अब नहीं रही, जो विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, जो अब बिल्कुल ही नहीं पृथ्वी पर, वो उनका नामो निशान खत्म हो चुका है, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देती हैं, उन प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो है तो पृथ्वी पर उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और उनकी संख्या में कमी, इतनी कमी आई है कि वो भी बहुत ही कम दिखाई देती हैं। ऐसी प्रजातियों को हम संकट ग्रस्त प्रजातियों की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि विलुप्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो डायनासोर का। डायनासोर एक बहुत ही बड़ा जीव रखता है क्या, पहले के टाइम पे था, क्योंकि अब वो नहीं है, उसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, अब वो पृथ्वी पर उसकी कोई भी प्रजाति जीवित नहीं है। फिर है मेमथ, मेमथ भी अब नहीं मिलता है, वो भी पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। लाल पांडा, वो भी अब पृथ्वी पर नहीं है, इसकी भी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। दो पक्षी है, लाल तोता है। इस तरह से ये सारी प्रजातियाँ बच्चों अब हमारे पृथ्वी पर नहीं है, जबकि जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुत ही किसी ना किसी रूप में हमारे लिए लाभकारी ही होते हैं। तो उसके लिए उनका संरक्षण, जैसा कि आपका पाठ है वन्य जीवों का संरक्षण, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, उनकी देखभाल जरूरी है। और ये प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी हैं हम इन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। फिर है हमारी संकट ग्रस्त प्रजातियाँ, उसमें है गौरैया। गौरैया चिड़िया शायद सबने देखी हो, पर अब बहुत कम दिखाई देती है। है, ऐसा नहीं है कि एकदम विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन अब उनकी संख्या में भारी कमी आई है और ये बहुत ही कम दिखाई देती हैं। नहीं तो पहले के टाइम पे रहता था कि बहुत सारी गौरैया, छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, वो अक्सर दिखाई देती थी हमारे आसपास। और है अमेरिकन हाथी। हाथी के दांत के लिए लोग हाथी को मार देते हैं, कितने लोग जो गैरकानूनी तरीके से शिकार करते हैं वो उसका व्यापार करते हैं विदेशों में, तो इसके वजह से अमेरिकन हाथी की भी संख्या में भारी कमी आई है, इसकी भी प्रजातियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। बाघ, बाघ तो लगभग सभी ने, हम लोग, हमारा राष्ट्रीय पशु भी है चीता, उसी की प्रजाति है बाघ, बाघ भी अब बहुत कम दिखाई देते हैं। फिर है गिद्ध। गिद्ध भी अक्सर जो है पहले दिखाई देते थे, कहीं भी अगर कोई जानवर मरा पड़ा है तो उस पर गिद्धों का पूरा झुंड आ जाता था, पर अब जो है गिद्ध भी बहुत कम दिखाई देते हैं। साही है एक जानवर, ये भी बहुत कम दिखाई देता है। शेर, शेर को अगर इतना सुरक्षित ना रखा जाए तो अब तक इसकी भी प्रजाति विलुप्त हो चुकी होती, अब शेर की भी संख्या में भारी कमी आई है। काला हिरण है, ऐसे ही बारहसिंघा है, कछुआ है, ये सब प्रजातियाँ अब सिर्फ वहीं पे हैं जहाँ इनके लिए अभयारण्य और इनके लिए जो जीवों को पालने के जो उद्यान बने होते हैं, जो वहाँ पे रखे गए हैं, बस वहीं पे ये बचे हैं। अदरवाइज ये जो है अब इनकी संख्या में भारी कमी आई है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे आप लोगों को, आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।